डबुई के रेफरल हॉस्पिटल में भी तमाम तबीबों की हड़ताल का सुखद अंत आते हुए अब तबीबों द्वारा पुनः अपनी फर्ज पर जुड़े हुए देखने को मिले थे। राज्य भर के तमाम सरकारी तबीबों की अनिश्चित मुद्दत की हड़ताल का अब अंत आ चुका है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा तमाम तबीबों की मांग का स्वीकार कर ऑर्डर देते हुए राज्य के तमाम तबीबों की हड़ताल का अंत आने के बीच डबुई सहित राज्य भर के तमाम तबीबों ने अपनी हड़ताल का अंत ला दिया है। ऐसे में डबुई नगर में भी रेफर हॉस्पिटल में स्थित तबीबों द्वारा हड़ताल का पालन करते हुए अपनी कामगिरी से अलिप्त रहकर बहिष्कार किया था। राज्य सरकार द्वारा तमाम मांगों को पूरा करने के बीच डबुई रेफर अस्पताल में तमाम तबीब दोबारा से अपनी इलाजी प्रक्रिया और फर्श पर तैनात हुए नजर आ रहे हैं। जहां पिछले 8 दिनों से जारी वैसी हड़ताल का अंत आने के बीच राज्य सरकार ने तमाम मांगों का स्वीकार करने की तसल्ली देते हुए अब हड़ताल का अंत आते हुए डबोई तथा आसपास तालुका के दर्दियों के लिए अब राहत के समाचार मिले हैं। हड़ताल का अंत आने के साथ आज 200 जितनी ओपीडी सेवा तथा ऑपरेशन सहित की सेवा पुनः चालू होते हुए दर्दी सहित अब लोगों को भुगतनी पड़ी वैसी परेशानी का अंत आया है। ચોક્કસ મુદતના હડતાલ ત્યારે કાલે પૂરું થઈ ગયું છે. આપણે એસોસિએશનના કહેવાથી કાલથી હું સરકારી દવાખાનામાં હાજર થઈ ગયો હતો. કાલથી આપણે દર્દીઓને સેવાઓ આપવાનો લાગ્યો હતો. આજે સવારમાં જોયું કે જો ચૂકી દર્દીઓના મતલબ અનેકની સંખ્યા બી બઢ ગઈ છે ધીરે ધીરે, ઓર જો ઓપરેશન જો પહેલે કરકે ગયા થા વો આજ ફોલો અપ કે લીએ સભી આયા હતા. કહેતા હૈ કે સભી પેશન્ટ કે સાથ ખુદ કરના શરૂ ગયા હતા ઓર જો હમારી માંગણી થી वो सरकार के लिए मान लिया है तो और अब कोई तकलीफ नहीं है. अब जो नियमित रूप से रेगुलर जो दवाखाना चल रही थी उसमें सेवा मिल रही थी, उस तरह से सभी को अब सेवा मिलने लगी है. अभी आज का दिन में आप देखने जाओ तो करीब 150 से 200 पेशेंट थी आने लगे हैं, और जो ऑपरेशन का जो पेशेंट है सभी अब आने लगे हैं. આવી ગયો છે અને ડોક્ટરે પોતાની સેવા જાતે ચાલુ કરી દીધી.